नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित दंडी स्वामी अम्बरीशानंद जी महाराज, गुरुबंधुगण, यहाँ पर समुपस्थित सज्जन वृंद, समादरणीय मातृशक्ति, प्रिय बाल गोपाल, धर्म चर्चा चल रही है। सत्य, धैर्य, दम, क्षमा, दया, अस्तेय, अहिंसा, श्रद्धा, तप और फिर ब्रह्मचर्य, इन धर्मों की चर्चा हम लोगों ने की। ब्रह्मचर्य दो तरह का बताया, एक उपकुर्माण और एक नैष्ठिक। उपकुर्माण का मतलब है कि अपने उपकार के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना, और नैष्ठिक का मतलब ब्रह्मचर्य में ही जिसकी निष्ठा हो जाए। अपना उपकार क्या है कि मेधा शक्ति का संवर्धन। एक शक्ति है जिसका नाम है मेधा, आप लोगों ने सुना होगा, ये मेधावी छात्र हैं। मेधावी, मेधावी माने वो छात्र जिसके अंदर मेधा हो। ये मेधा क्या है? जो कुछ हम सुनते हैं उसको धारण करने की क्षमता, माने स्टोरेज। जैसे आपके मोबाइल में और कंप्यूटर में स्टोरेज है, वही काम इसका है। जो मेधा शक्ति से संपन्न हो जाता है उसको गुरुजी जो बताते हैं सब याद रहता है। और याद कैसे रहता है? याद ऐसे रहता है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वही याद आ जाता है। तो कौन सा छात्र सफल होगा? जिसको याद रहेगा वो, कि जिसको याद ही नहीं रहता वो? माने जिसके अंदर मेधा होगी, मेधा शक्ति से संपन्न जो छात्र होगा उसकी सफलता सुनिश्चित है, गारंटीड है। और इस मेधा शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपके पास उपाय है। कौन सा उपाय है? ब्रह्मचर्य।
अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो आपकी मेधा शक्ति बढ़ जाएगी, और अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो आपकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाएगी। यही बात, एक तो ये बात, और दूसरे जब ब्रह्मचर्य आप धारण करते हैं तो मेधा शक्ति संपन्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक दो और लाभ बताए, वो क्या है, आपकी वाणी में ओज आ जाता है, इसलिए आप फिर ओजस्वी वाणी वाले हो जाते हैं। ओज का मतलब आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है, आप जिसको जो कहते हैं टाल नहीं सकता, बल आ जाता है आपकी वाणी में, यहां तक कि अगर पूर्ण ओज हो तो आप जो बोलेंगे वो सच होने लग जाए, कह देंगे वो होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। ये दूसरा लाभ है ब्रह्मचर्य का, और तीसरा आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा। तो आप में क्या आया, ब्रह्मचर्य धारण करने से मेधा शक्ति बढ़ी, आत्मबल बढ़ा, वाणी का ओज बढ़ा, और चेहरे का तेज बढ़ा, और साथ ही साथ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। इसलिए ब्रह्मचर्य भी एक धर्म है जो हमको बहुत बड़ा लाभ देता है, कहीं से कुछ खर्चना नहीं है, बस संयम रखना है। जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हैं कम से कम तब तक तो रखना ही रखना है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद मनमाना नहीं हो जाना है, तब भी संयम का जीवन जीना है, जिसके साथ परिणय हुआ है केवल उसी के साथ आप रह सकते हैं, अन्यत्र नहीं। इसका मतलब कि बाद का जीवन भी संयमित ही रखना है, इसी का नाम है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, जो अपना उपकार करते हुए ब्रह्मचर्य रखता है। और दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिसकी ब्रह्मचर्य में ही निष्ठा हो गई, अब उसने अपने ब्रह्मचर्य को केवल आत्मबल पाने का, केवल ओज बढ़ाने का, केवल तेज बढ़ाने का, केवल मेधा शक्ति बढ़ाने का माध्यम नहीं बनाया, अब वो क्या कहता है कि मैं अपने ब्रह्मचर्य को उस स्तर तक लेकर के जाऊंगा जिससे इस संसार की सबसे बड़ी प्राप्त करने की जो चीज है उसको प्राप्त कर लूंगा, और वो चीज क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार करूंगा। ब्रह्म को जान लूंगा, इसलिए अपने ब्रह्मचर्य को उस स्तर तक ले जाता है। तो जब उस स्तर तक ले जाता है तो उसको कहते हैं ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, अब ये जीवन पर्यंत जब तक मरेगा नहीं तब तक ब्रह्मचर्य धारण करेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य की भी जीवन में प्रतिष्ठा होने चाहिए, ये भी एक धर्म है। और इससे एक और चीज मिलती है, वो क्या मिलती है, वो है प्रतिष्ठा। अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी, माने आपको चरित्र बल वाला कहा जाएगा कि बड़े दृढ़ चरित्र का व्यक्ति है, और अगर इसका पालन नहीं कर पाते हैं तो आपके चरित्र को कमजोर समझा जाएगा, और समाज में जिसका चरित्र कमजोर होता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, परमार्थ की दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसलिए शास्त्र ने बता दिया, एकश्चैत सर्वत्र न रेत स्कंदयेत क्वचित कामाधि स्कंदयन रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। जो ब्रह्म तेज है उसको कभी भी स्खलित नहीं करना चाहिए, जान करते तो किसी हालत में नहीं। इसलिए
जो नियम कल हमने बताए उनका पालन करते हुए एक शहीद अकेला सोए। और कभी भी स्खलन ना होने दे। अब वहां प्रश्न ये आ जाता है कि अगर किसी ने इसको तोड़ दिया तो बताया इनस्ति व्रतमात्मनः, जो नहीं मानता इस नियम को वो ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देता है, और व्रत को तोड़ देना बहुत पाप होता है। कहा गया है शास्त्र में व्रत भंगे महापापम, आपने जो व्रत उठाया है उसको आपको पूरा करना ही चाहिए, अगर आप बीच में व्रत को तोड़ते हैं तो बड़ा पाप लगता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत आपने उठा लिया तो उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो पाप लगे। फिर ये प्रश्न था कि अगर हमने कोई प्रयास नहीं किया, सहज में ही स्खलन हो गया, तो जैसा कि स्वप्न आदि में कभी कभी हो जाता है, हालांकि जो व्यक्ति नियमानुसार रहेगा उसको नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि ज्यादा खाएगा नहीं, रात को अमुक अमुक नियमों के पालन करेगा तो ये नहीं होगा, लेकिन प्रमाद हो गया। तब हमने कामना से नहीं किया, लेकिन सहज में अगर ब्रह्म तेज पतित हो गया तो क्या करे? तो शास्त्र कहता है स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा त्रिहि पुनर्माम इत्रिचम जपे। अगर स्वप्न दोष आदि हो जाए तो क्या करे? कहा भाई उस पे अपना वश नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं किया, इसीलिए उसका छोटा प्रायश्चित। क्या प्रायश्चित है? सवेरे उठ करके स्नान करे, भगवान सूर्य का दर्शन करे, और फिर पुनर्माम इस मंत्र का 3 आवर्तन करे। और जो पुनर्माम मंत्र नहीं जानता है वो गायत्री का 1000 जप करे, इससे दोष समाप्त हो जाता है और आगे के लिए रास्ता बन जाता है। ये तो अपने धर्मशास्त्र की बात। और आजकल जमाना कहते हैं बदला हुआ है, तो एक फ्रायड नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ है विदेश में, इस समय डार्विन का विकासवाद और फ्रायड का मनोविज्ञान यही हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। जो पाश्चात्य शिक्षा हमारे यहाँ लाई गई है उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो डार्विन की विकास के बाद के कारण कहा जाता है कि हम सब बंदरों की संतान हैं, हमारे पूर्वजों की पूछ थी, फिर धीरे धीरे घिस गई, अब हम इस रूप में आ गए, ये उनका विकासवाद है। हमारा शास्त्र कहता है कि हम तो देवताओं की संतान हैं, हम तो ब्रह्म से आए। नहीं, नारायण की नाभि से कमल हुआ, उस पर ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता आए, फिर उनको उन्होंने सृष्टि की रचना की, फिर हम हुए मनु शत्रुपा राम के राजा थे, उनसे ये सृष्टि हो गई, ये हमारी तेरी है। और उनकी है कि आदि मानव से चले पत्थर रगड़ते रगड़ते फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहाँ तक आ गए। अब एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये जो मेधा शक्ति संवर्धन के लिए हमारे पूर्वजों ने अनुभव करके हमको बताया था ज्ञान, अब उसका खंडन प्रायड करते, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है, इसके बारे में ज्यादा सचेत मत रहो, और जो मन में आए सो करो। एक बार की तो लगता है कि ये तो बिल्कुल उल्टे शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि वो प्रायड भी वही बात कह रहा है जो हमारे पूर्वजों ने कहा। हमारे पूर्वजों के जो बच्चे थे, जिस समय हमारे पूर्वज कह रहे थे, उस समय बच्चे उनकी बात पे भरोसा करके मानते थे कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज बच्चे नहीं मानने को तैयार हैं, तो फ्रायड क्या कहता है कि जो मन में आए सो करो, क्योंकि उसको पता है कि जैसे हम इनको छूट देंगे इतनी मनमानी ये करेंगे कि थोड़ी दिन में इनको खुद ही समझ में आ जाएगा
कि असलियत क्या है, अपने आप समझ जाएंगे। कोई कहता है कि संभल के जाना ठोकर लग जाएगी, और कोई कहता है जाओ कहीं कुछ नहीं, जानता है कि जब ठोकर लगेगी नाखून उखड़ जाएगा, एक दो बार हुआ तो उसके बाद अपने आप संभल के चलेगा, फिर हमको कहना नहीं पड़ेगा कि संभल के चलो। तो उनका तरीका है, लेकिन हमारा जो तरीका है वो ये है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब हम गिरे थे अपने जीवन में तो हमारा बच्चा भी गिरे, गिर करके सीखे। अरे जब हमने अनुभव प्राप्त कर ही लिया कि ठोकर है, लगेगी, नाखून उखड़ जाएगा, कितनी पीड़ा होगी, उतनी पीड़ा सह करके हमने अनुभव प्राप्त किया, अब हम अपने बच्चे को भी कहें कि ये नाखून तोड़े और तब सीखे, ये तो अच्छी बात नहीं। हमारे अनुभव हमारे बच्चों को लाभकारी होने चाहिए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि ब्रह्मचर्य जो है ये भी एक धर्म है, और इसको धारण करने वाला भी जीवन में बहुत सुख का संपादन करता है। अब यहां एक बात आई कि प्रातःकाल स्नान करके स्नात्वार्कम अर्चयित्वा, अर्कम, अर्क माने होता है सूर्य, तो अर्कम अर्चयित्वा सूर्य को देखे, सूर्य को प्रणाम करे, उसकी क्या जरूरत। तो इसलिए जरूरत बताई क्योंकि सूर्य जो है वो शुद्धि के देवता हैं। जब हमारे यहाँ शुद्धि होती है तो किन किन चीजों से होती है? जो बाह्य शुद्धि है ये तो जल और अग्नि से होती है, जल और मिट्टी से होती है। किसी जगह पर कुछ गंदगी है, पानी से धो दो, अगर छूट जाएगा, अगर ना छूटे तो मिट्टी से मांझ दो, छूटना ही छूटना, फिर धो दो। तो जल और मिट्टी, इससे बाहरी शुद्धि हो जाती है, और अंदर की शुद्धि जब हम भगवान का नाम लें, जब हम देवता का दर्शन करें, अथवा भगवान का दर्शन करें, तब मन शुद्ध हो जाता है। तो हमारे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं, प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं, इसलिए उनका दर्शन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो कमी आई होगी वो न्यून पूरी हो जाएगी। इसलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान का दर्शन, और सूर्य भगवान का दर्शन करने आप जाएंगे खुले में, जहाँ खुला नहीं है वहाँ छत पे, तो उससे क्या होगा कि सूर्य भगवान जब उदित हो रहे होंगे तो कम से कम वहाँ पर पहुँच जाए जो व्यक्ति, वहाँ पर जाएगा फिर भगवान सूर्य को देखेगा, फिर उनको अर्घ्य देगा, फिर 12 बार सूर्य नमस्कार करेगा, इतने में लगभग 12-15 मिनट लग जाएंगे। ये जो 12-15 मिनट हैं, इतनी देर अगर उगते हुए सूरज की किरणें आपके शरीर पे पड़ गईं, तो पूरे जीवन में विटामिन B12 आपके शरीर में कभी कम नहीं होगा, और नहीं तो अभी जांच करवा लो, जितने लोग बैठे हैं सबके इस कमी, ये कमी है, और इसी कमी के कारण बहुत सारी दूसरी कमियां आ रही हैं आपके शरीर। तो हमारे पूर्वज जानते थे कि रोज अगर सूर्य उपासना करेगा तो विटामिन B12 सदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा मेरा बेटा, कोई रोग दोष इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन हमने कहा अरे ये तो पुजारी हैं, पंडे हैं, ये क्या जाने, ये तो पैंट नहीं पहनते, ये तो टाई नहीं बांधते, ये तो जूता पहन के खाते नहीं है, ये क्या जाने। अरे इससे ज्ञान का क्या लेने देना है कि कौन जूता पहन के खाता है, कौन जूता निकाल के खाता है। ठंडे देश में जूता पहन के खाना मजबूरी है, गर्म देश में जूता निकाल के पैर धो के खाना मजबूरी है, इसमें ज्ञान का क्या लेना देना है। लेकिन हमारी ऐसी बुद्धि बन गई है कि जो कूट बूट सूट में नहीं रहता हम उसको मनुष्य ही नहीं समझने को तैयार। भारत में जितने बड़े बड़े काम हमारे पुराने दिखाई देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, पैंट वालों ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि पैंट तो 250 साल पहले आया है, इसके पहले आपके देश में पैंट कहाँ था, इसके पहले सब धोती पहनते थे। ये जितनी बड़ी बड़ी रचनाएं, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो सब धोती दुपट्टा पहनने वाले लोगों ने किए।
इसलिए ये सोचना कि धोती दुपट्टा पहनने वाले मूर्ख होते हैं। कृष्ण भगवान जिन्होंने गीता का ज्ञान लिख दिया, जिस पे आज के लोग पूरे विश्व में शोध कर रहे हैं, वो गीता का ज्ञान लिखने वाले पैंट शर्ट पहनते थे कृष्ण? वो तो धोती दुपट्टा ही पहनते थे, वो तो कमर में फेंटा बांधते थे, उसी में बस बांसुरी खोंस लेते थे। लेकिन उन्होंने गीता का ज्ञान दे दिया, पूरा विश्व जिसकी सराहना कर रहा है। योग वासिष्ठ लिखने वाले वशिष्ठ जी, और इसी तरह से गिनते चले जाओ, अभी अपने लोगों को उधर जाना नहीं है। ये सब कहां, ये कोई पैंट शर्ट वाले और कोट बूट सूट वाले नहीं थे, और कोट बूट सूट से इसका कोई लेना देना भी नहीं है ज्ञान का। ज्ञान तो एक अलग तरह की वस्तु है जो साधना करने वाले को और भगवान की कृपा प्राप्त होने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है, इसका पहनावे से कोई संबंध नहीं है, जान लीजिए। ये बहुत गलत असेसमेंट होगा, आकलन होगा आपका, कि आप किसी के कपड़े देख करके निर्णय करें कि ये जानकार है कि नहीं। आधुनिक युग में विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है, जब वो विदेश में गए तो उनके जो हितैषी लोग थे उन्होंने किराया भाड़ा दे करके उनको विदेश तो पहुंचा दिया, वहां जहाज से जा करके उतर गए। उतरने के बाद वहां के जो हितैषी उनको लेने आए थे उन्होंने कहा कि महाराज बाकी तो सब ठीक हो गया, अब आप चलिए। बोले कहाँ चलना? बोले टेलर के पास। बोले क्यों? क्या आपके लिए हम कोट बूट सूट बनवाना चाहते हैं। क्यों? बोले आपको जेंटलमैन बनाएंगे, अभी आप जेंटलमैन नहीं लग रहे हैं। विवेकानंद ने कहा ओह अच्छा ऐसा है, आपके यहां टेलर किसी को जेंटलमैन बनाता है, हमारे यहां तो गुरु जेंटलमैन बनाता है। ये आपने अच्छी बात बताई कि आपके यहां टेलर जेंटलमैन किसी को बना देता है, तो बहुत शर्माए वहां के लोग। क्या जवाब देते इस बात पर? बोले नहीं नहीं आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है, आपकी ये जो दुपट्टा है, आपकी ये जो पगड़ी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेशभूषा से इसका तात्पर्य नहीं है, जहां की जैसी जलवायु होती है वहां वैसी वेशभूषा तैयार की जाती है और उसी में आनंद आता है। और फिर कोट बूट सूट कौन पहनता है? बूट तो इसलिए पहनना पड़ता है कि ठंडी है, ठंडे देश में दिक्कत हो जाएगी अगर नंगे पैर तलवा खोल के रहेंगे, तलवे से और कान से ठंड बैठती है अंदर। अगर कान में आप व्यवस्था बनाए हुए हैं और तलवे आपके गर्म हैं और हथेलियां गर्म हैं, ठंड नहीं लग सकती। इसीलिए लोग हाथ को रगड़ते रहते हैं अथवा पंजा पहन लेते हैं और पैर में मोजा पहन लिया और कान में टोपा लगा लिया या रुई लगा लिया, मस्त। जो ज्यादा कफ प्रवृत्ति के हैं उनकी छाती में भी थोड़ा बचाव रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा ओढ़ लेते हैं, इतना ही तो है। बाकी चेहरे में कहाँ ठंड लगती है, चेहरा तो इतना पक्का है कि इसको ना तो गर्मी लगती ना तो ठंड लगती, ये हर मौसम में सही रहता है। ऐसे ही जो पक्का कर लेता है उसका पूरा शरीर हो जाता है। बात क्या है कि हमारे देश में दुपट्टा और ये धोती क्यों बनाई गई है, ड्रेस? क्योंकि हमारे देश के लोगों का जो शरीर है ना, वो कमाया हुआ होता था। अब उसको दिखाना है, कैसे दिखेगा? अब आजकल शर्ट का बटन खोल के दिखा रहे हैं कि देख लो हमारा शरीर, हमने भी कमाई की है, हमने रियाज किया है, व्यायाम किया है, कमाया हुआ शरीर है हमारा। जब तक बटन नहीं खोलेंगे दिखेगा नहीं। अरे भाई जब बटन खोलना ही था तो बटन लगाया क्या? हमारे लोगों ने बटन नहीं लगाया कि खोलेंगे तो लगेगा कि दिखाने के लिए खोल रहा। उन्होंने ऐसा ड्रेस डिजाइन कर दिया कि अपने आप हमारी छाती दिख रही है, अपने आप हमारे भुजदंड दिख रहे हैं।
दिखाने लायक शरीर तो हो, अब जिसका नहीं है उसको तो पूरा यहां तक का बंद रखना ही पड़ेगा, गले तक ताइया इसे कस देना पड़ेगा, शर्ट के ऊपर कोट पहन लेना पड़ेगा कि थोड़ा भरा भरा दिखे। मजबूरी है, आप लोग इसको नहीं समझ रहे, सोच रहे हो कोट पैंट शर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वो जहां जहां जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार ड्रेस डिजाइन किया जाता है और उसी के अनुसार उसका उपयोग होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी रहन सहन के अनुसार, हमारी वातावरण प्रकृति के अनुसार डिजाइन किया और उसको पहनते रहे। इससे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान कपड़े से नहीं आता, वो तो प्रभु की कृपा से और आपकी मेहनत से आपके पास आता है। और उसमें चार चांद कब लगेगा? जब आप ब्रह्मचर्य व्रत आदि का पालन भी करने लग जाएं। अर्कम अर्चयित्वा, भगवान सूर्य का दर्शन करने से हमको शुद्धि मिलती है ये बताया। इसी से हम लोग अगले धर्म की ओर चलते हैं। अगला धर्म है शौच। एक धर्म है जिसका नाम है शौच। शौच माने हाँ? क्या हाँ? हाँ। अब ये बहुत मुश्किल हो गई कि शौच शब्द जो है आजकल दूसरे अर्थ में व्यवहार होने लग गए। शौच का मतलब है शुचि का भाव, सुचेर भाव शौच। अब शुचि का जो भाव है उसका नाम है शौच, जो शुच धातु से बनता है। शुद्ध करने के अर्थ में शुच धातु है, उससे शुचि शब्द बनता है और शुचि का भाव जो है उसी का नाम है शौच, माने पवित्रता। शौच माने शुचिता, पवित्रता। अब उसको क्या कह रहे हैं आजकल? शौच। शौच का मतलब बना दिया मानव मल। अब एक जगह पे बोर्ड लगा दिया शौचालय, यहां पर शौच ही शौच है। लोग वहां जाकर के अपना मल छोड़ते हैं, उस जगह का नाम कर दिया शौचालय। माने अर्थ का अनर्थ देखिए। शौच का मतलब है पवित्रता का भाव, माने जहां बाह्य पवित्रता भी है और आंतर पवित्रता भी है, उसका नाम है शौच। और उसको किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है? आलय माने समूह, ढेर। तो जहां शौच का आलय हो, ढेर सारा शौच हो, उसका नाम, अब वो पवित्रता की जगह उसका नाम मल कर दिया। गांवों में बोर्ड लगा दिया गया है, खुले में शौच मुक्त गांव। पढ़ा होगा आप लोगों, खुले में शौच नहीं है वहां पे, वहां पे बंद शौच। बताइए शौच जो पवित्रता है वो क्या खुला क्या बंद? इसका मतलब शौच शब्द का अर्थ उन्होंने मल कर दिया और उसी अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं। और भारत सरकार का हिंदी विभाग करोड़ों रुपया लेकर के बड़े बड़े विद्वानों को अपॉइंट करके कुछ नहीं बोल रहा, वही शब्द बनाता है। यह हालत हाँ? वो तो ठीक है, इज्जत घर तो ठीक है कि भाई आपको कोई देखेगा तो आपको संकोच नहीं होगा, उस तात्पर्य से है कि आपको पर्दे में आपको अवसर दिया गया है। लेकिन शौच या शौचालय शब्द जो है वो कैसे बनेगा? तो शुच शब्द है, उससे शुचि बनता है माने पवित्र, और उसी से उसी का जो भाव है उसी का नाम है शौच। इसलिए हम शुचि रहना चाहते हैं, यही एक धर्म है। शौच धर्म माने पवित्र रहने का धर्म, जिसमें हर समय हम पवित्र रहें। पवित्र होना, तो ये जो शुचि शब्द है इसका एक अर्थ अग्नि भी है, क्योंकि अग्नि भी पवित्र करता है। हमने अभी बताया कि बाह्य शौच जो है वो मिट्टी और जल से हो जाता है
और जो अंतर शौच है वो किससे होगा? वो पवित्र वस्तुओं के स्मरण से होगा। और जैसे बर्तन वगैरह है, बहुत दिन तक अगर अपवित्र जगह में रह गया तो उसको आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है। अगर पीतल का या दूसरी धातु का बर्तन है और अशुद्ध स्थान में बहुत दिन तक रह गया, अब उसका शुद्ध स्थान में प्रयोग करना चाहते हैं तो मांजने से शुद्ध नहीं होगा, अब उसको आग में तपाना पड़ेगा। आग में तपाएंगे तो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, ये नियम है। आग में तपने से सोना जो है वो और निखार पा जाता है, मतलब सोने का जो मैल है वो आग में तपने से निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो भगवान सूर्य हैं, जो भगवान अग्नि हैं, उनको भी सूची शब्द से कहा जाता है। इसीलिए तीन तरह की अग्नि बताए हैं, एक पावक, एक पवमान और एक सूची, ये तीन अग्नि हैं। और इन्हीं तीन अग्नियों के बाकी संतान होती है जो 49 हो जाती है, इसलिए 49 अग्नि कहे जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जो मंथन करके, अरणि मंथन करके यज्ञ में आपने देखा हो अग्नि प्रकट की जाती, तो जहां पर मंथन करके अग्नि प्रकट किया जाता है उसका नाम है पवमान। और जहां पर वैद्युत अग्नि है, बिजली से प्रकट होता है, उसका नाम है पावक। और यश्चास उत्पते सूर्य, जो सूर्य तप रहा है वो सूची है, माने सूर्य की किरणों से भी आतसी शीशा दिखाने से रुई में अग्नि प्रकट हो जाता, तो वो सूची। इस तरह से पावक, पवमान और सूची नाम की अग्नि है, इनसे शुद्धि होती है। ये जो शुद्धि है ये भी एक प्रकार का धर्म है। ये हमारे यहां कहा गया है कि दो तरह की शुद्धि होती है, एक अंतर की और एक बाहर की। बाहर की माने देह की, अंदर की माने मन की। ये दोनों तरह की शुद्धियां हैं, मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धि स्तथांतरम। बाहर की शुद्धि जो है मिट्टी और पानी से होती, लोग जब शुद्ध होना चाहते हैं तो हाथ में मैल है तो मिट्टी लगा करके पानी से धो लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, मिट्टी जल से शुद्धि हो गई। और अंदर, अंदर की शुद्धि करना है, मन का मैल हटाना है तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, उसके लिए भगवान के ध्यान की आवश्यकता है, उसके लिए देवता के दर्शन की आवश्यकता है। जैसे ही देवता का दर्शन अंदर गया शुद्ध। तो आपको शौच धर्म का, पवित्रता धर्म का भी पालन करना चाहिए। आजकल क्या हुआ है कि ये धर्म बहुत लांछित हो गया है। आजकल स्वच्छता पर जोर है, पवित्रता पर जोर हमारा खत्म हो गया। पुराने जमाने में स्वच्छता पे जोर कम था, पवित्रता पे ज्यादा था। और स्वच्छता और पवित्रता में अंतर क्या है? पवित्रता जो है वो अंदर से आती है और स्वच्छता बाहर की चीज है। अंदर से कैसे आती है कि आपके घर में नहाने का कमरा है, उसी में आप शौच जा रहे हैं, अब उसको खूब साफ कर दिया जाए। आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि बहुत साफ रहता है, बहुत साफ है, लेकिन कोई कहे कि यहीं बैठ के भोजन कर लो तो आप में से 99 लोग नहीं कर पाएंगे, एक लोग तो कर लेते हैं। आजकल कई जगह तो ऐसे ही रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां पर पैन में ही भोजन परोसा जाता है और उसी में लोग खाते हैं। यही फैशन हो गया कि हम इसमें खा ले रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुला के खिलाते हैं कि आओ हमारे साथ खा सकते हो, जो नहीं खा सकता उसकी हंसी उड़ाते हैं, ये भी हो रहा है। वो अलग बात है, वो एक विकृति है, लेकिन सहज जो व्यक्ति हैं वो कैसे खा पाएंगे? शौचालय में सफाई खूब हो लेकिन वहीं बैठ के खाने के लिए आपको कहा जाए तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में है कि यह जगह सही नहीं है। साफ तो है
लेकिन पवित्र नहीं है। तो हमारे यहां पवित्रता पे जोर है, माने सूक्ष्म सफाई, केवल भौतिक सफाई नहीं कि सामने सामने साफ हो गया, उसके पीछे स्वच्छता होनी चाहिए। ये हमारा विचार है, माने हमारा माने भारतीय संस्कृति का विचार है। और वहां ऊपर ऊपर हो गया, इसलिए हमारे यहाँ क्या होगा कि नीचे से सफाई होगी और वहां ऊपर ऊपर टाइल्स लगा दिया जाएगा, नीचे कुछ रहे। हमारे यहाँ मकान बनाना है तो पहले गड्ढा खोदा जाएगा, वहां से जो भी ऐसी चीजें हों वो सब निकाल दी जाएंगी, फिर नींव डाली जाएगी, जब शुद्ध मिट्टी आ जाएगी तब, और वहां पर फिलिंग कर दिया, फिलिंग करके अपना कर दिया। केवल ऊपर सही होना चाहिए, टाइल सही लगा रहना चाहिए, अंदर क्या है कोई मतलब नहीं। भोजन बनाने की जगह में क्या स्थिति है ज्यादा लोग नहीं देखते, केवल परोसे में देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं, और हम भोजन बनाने में देखते हैं, और उसके पहले थोड़ा और देख लेते हैं, झांक लेते हैं कि कहां से आया, कैसे आया, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, तब खाने में प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो पवित्रता का हमारा दृष्टिकोण है, इसी का नाम है शौच धर्म, शुचिता का धर्म। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं, इसीलिए पवित्रता से रहना हमको सिखाया गया। पुराने जमाने में भारत में, बाकी जगह नहीं, भारतीय संस्कृति वाले सिखा देते थे बच्चे को, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था, अपना काम करने लगता था, तो क्या सिखाया जाता, सबसे पहले सिखाया जाता था, बेटा तुमको भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक बायां है एक दाहिना है, दाहिने हाथ से खाना है, बाएं से नहीं खाना है। अब ये क्यों सिखा दिया? और जो विदेशी हैं उनको इसका विचार नहीं है, कौन सा दाहिना कौन सा बाएं, ये हमारे यहाँ विचार है, दाहिने से ही खाना है, बाएं से नहीं ही खाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दाहिना हाथ है उसका अलग उपयोग है और बायां हाथ है उसका अलग उपयोग। दाहिने हाथ का उपयोग कहाँ करना है शरीर में? नाभि से ऊपर, और बाएं हाथ का उपयोग नाभि से नीचे। तो नाभि से नीचे अगर शरीर में कोई जरूरत है तो हम वहां बाएं हाथ का उपयोग करें, और नाभि से ऊपर अगर शरीर में कोई जरूरत है, खुजलाहट है या कुछ करना है, तो दाहिने हाथ का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि नाभि से नीचे हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी, ज्यादा कीटाणु हो सकते हैं। अगर वहीं पर हम हाथ लगाएंगे और वही हाथ ऊपर भी लगा देंगे तो कीटाणु, हमारे ही कीटाणु हमको क्षति पहुंचाने के लिए हमारे आंखों से, नाक से, मुंह से अंदर जा सकते हैं। इसलिए बच्चे को सिखा दिया, हर बच्चे को एक ही हाथ से रोटी तोड़ना पकड़ना सिखा दिया। भारत के लोग देखिए, एक हाथ से रोटी पकड़ भी लेंगे, तोड़ भी लेंगे, खा भी लेंगे, दूसरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। और जिनको भारतीय संस्कृति की शिक्षा नहीं है उनको दोनों हाथ से पकड़ के तब रोटी तोड़ना पड़ेगा। इतना विचार, ये किस लिए विचार है? ताकि हम स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ जाएं, सतर्क रहने की शिक्षा है, ये हमारे यहां दी जाती है। इसी तरह से हमको इस बात में सिखाया जाता है कि जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो निवृत्त होते हैं, निवृत्त होने के बाद हमको शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है, तो हमारा जो हाथ है उसमें मैला लगता है। अब उस मैले को कैसे हटाएं, उसके लिए शुद्धि है। इतनी बार मिट्टी लगाओ, फिर उसको पानी से धो, फिर मिट्टी लगाओ, फिर पानी से धो, फिर मिट्टी लगाओ, फिर पानी से धो। और केवल हाथ में नहीं, जहां गंदगी लगी थी वहां पर भी तब शुद्धि होती है, इसलिए पूर्ण शुद्ध होता है व्यक्ति। बाकी जगह पे इसका विचार नहीं। एक हमारे विद्वान थे, अब तो नहीं रहे बेचारे, बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान थे। तो 6 महीने वो विदेश में रहते थे और 6 महीने भारत में रहते थे। उनके अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रवचन होते थे, उसके लिए उनको बुलाया जाता। तो जब यहाँ गर्मियाँ बढ़ जाती थी तो वो विदेश चले जाते थे 6 महीना और फिर यहाँ आ जाते, आनंद से रहते। तो हमारे यहाँ प्रायः विदेश जाने के बारे में
अच्छा विचार नहीं है, लोग नहीं जाना चाहते, शास्त्रों में कुछ निषेध भी है। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में विदेश जाने के बारे में उत्साह नहीं दिखाया गया है, आखिर ऐसा क्या है विदेश में जिसके कारण हमको रोका जाता है? आप तो हर समय जाते हैं, तो आपने कुछ महसूस किया है व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताइए, शास्त्र में तो जो लिखा है सो लिखा है। उन्होंने कहा बिल्कुल शास्त्र में ठीक लिखा है। या क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं, आप अभी वाराणसी में थे उस समय, उन्होंने कहा वाराणसी में चले जाइए, आप म्यूनिसिपैलिटी के किसी भी सरकारी कार्यालय के किसी भी स्नानघर में चले जाइए तो जहाँ शौच जाने की जगह बनी हुई है वहाँ पर आपको एक नल लगा मिलेगा पानी का और एक बर्तन रखा मिलेगा, किसी भी शौचालय में चले जाइए, व्यक्तिगत जो लोगों के घर हैं उनके घरों में भी चले जाइए तो शौचालय में पानी के लिए बर्तन होगा और नल लगा होगा, हर जगह पे मिलेगा, एक जगह भी नहीं ऐसा नहीं नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से उड़िए, उड़ करके हमारे साथ बम्बई चलिए, बम्बई में क्या होगा जब एयरपोर्ट में जाएंगे वहाँ के शौचालय में घुसेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा। क्या परिवर्तन मिलेगा? वहाँ पर नल लगा रहेगा, बर्तन भी रखा रहेगा और वहीं पर पेपर रोल भी टंगा रहेगा, इतना अंतर आ गया। बनारस के किसी शौचालय में पेपर रोल नहीं है, पानी है बर्तन है। बम्बई पहुंच गए, इतना अंतर आ गया कि वहां पानी भी है नल भी है और पेपर रोल भी टंगा हुआ है। अब ये काहे के लिए टंगा है? बनारस में तो नहीं टंगा था। उन्होंने कहा फिर कोई बात नहीं, अभी और आगे हम ले चलते हैं। बोले अब वहां से उड़िए सिंगापुर पहुंच जाइए, बीजिंग पहुंच जाइए, एस्टरडम पहुंच जाइए, किसी भी देश के बड़े स्थान में पहुंचिए और वहां एयरपोर्ट में उतरिए, और एयरपोर्ट में उतर करके अब वहां शौचालय में जाइए, अब वहां पानी और नल नहीं मिलेगा, वहां केवल पेपर मिलेगा। अंदाजा लग गया? हमारी शुद्धि अशुद्धि का जो विचार है वो विचार वहां पे नहीं है। हम धो करके मटिया करके पोछ करके तब शुद्ध करते हैं और वो पोछ करके ही शुद्धि मान लेते हैं कि हो गया शुद्ध हो गया। अंतर है कि नहीं दोनों की संस्कृति में? तो यहाँ की संस्कृति वाला वहां सर्वाइव कर सकता है? ये बात है। तो इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वो बहुत साफ सफाई के प्रति ज्यादा सजग वो है, सजग है, बहुत शुद्ध रहना चाहती है और कीटाणु मुक्त वातावरण में रहना चाहती है, अपने स्वास्थ्य को सदा बचा करके रखना चाहती है। भारतीय संस्कृति का जो जीवन है उस जीवन को अगर कोई अपनाए, सचमुच से अपनाए, तो बीमार होने के चांस बहुत कम है। हो सकता है कि जीवन में एक बार भी बीमार ना हो, स्वस्थ जीवन जिए। और बाकी जगह बीमार पड़ते ही रहते हैं, बीमा बना हुआ है, पता ही है कि हम बीमार पड़ेंगे इसीलिए पहले से। अब हमारे देश में भी आ गई वही चीज, सबका बीमा हो गया, आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपका ऑपरेशन होगा ही होगा इसलिए बीमा करा लीजिए। ये है तो भारतीय संस्कृति के मर्म को समझने की जरूरत है। यहाँ का जो धर्म है वो असल में हमारा बहुत हितैषी है, हमको स्वस्थ प्रसन्न हर परिस्थिति से संघर्ष करने की क्षमता वाला बना करके रखता है, हर परिस्थिति में हमको प्रसन्नता प्रदान करता है और ओज तेज से संपन्न रखता है। ऐसे धर्म को हमने छोड़ा, उसी का परिणाम है कि आज हम कदम कदम पर दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये कहा गया है कि जो शुद्धि है वो केवल धोने पोछने तक सीमित नहीं है, हमारे मन का जो मैल है वो बहुत सूक्ष्म है, उसको निकालने के लिए हमको साबुन कौन कौन से हैं का जो प्रजा पालक राजा है उसको देखने से
जो आत्मज्ञानी साधु है उसको देखने से, जो पुण्य तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से हमको हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। पवित्र चरित्र कहने सुनने से, भगवान के नाम संकीर्तन से और महापुरुषों के संभाषण से हमारे मन का मैल दूर होता है, इससे भी शुद्धि होती है। इसीलिए भाव शुद्धि को ज़्यादा हमारे यहाँ महत्व दिया गया है, क्योंकि असली प्रभाव तो अंदर का पड़ता है। बाहर कितना ही साफ सुथरा हो, अंदर अगर साफ सुथरा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए भाव संशुद्धि रित्ते तत् भाव संशुद्ध भाव शुद्धि रेव सर्वधर्माणाम धर्मत्वस्य संपादिका। इसीलिए महाभारत में हमने सुनाया था, क्या कहा गया, तान्येव भावोपहितानि कल्कः। कौन सा कार्य आप कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि किस भाव से वो कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब भाव ही प्रमुख होता है। जब किसी के ऊपर मुकदमा चलता है आपराधिक, तो उसमें जज देखता है कि ये घटना हुई है कि नहीं है, हुई है, लेकिन सजा कितनी होगी, ज्यादा सजा दें कि कम सजा दें, इसका निर्णय करने के लिए उसके भाव को देखा जाता है कि किस भाव से इसने किया। चाकू मारा गया है लेकिन कितनी बार मारा गया है, एक दो बार मारने से भी मरी जाता है यार, लेकिन फिर भी 25-50-75 बार भी मारते हैं लोग, मारते ही जाते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत गुस्से में था, कुछ ज्यादा ही इसके मन में घृणा थी, क्रोध का भाव था, आवेश था, आदि आदि। तो जितना ज्यादा क्रूरता दिखाई गई है उतना ही ज्यादा फिर दंड निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाव देखा जाता है कि कौन सा कार्य इस व्यक्ति ने किस भाव से किया है, और उसी के आधार पर उसकी गुणवत्ता का निर्णय किया जाता है। इसीलिए जो शुद्धि है, शौच, उसके बारे में बहुत हमारे पूर्व पुरुषों ने विचार किया है और उसको भी एक धर्म माना। कहा है, अभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चाप्य निंदितैः स्वधर्मे च व्यवस्थानम् शौचमित्यभिधीयते। शौच जो धर्म है वो क्या है, कहा अभक्ष परिहार, कौन सूची है कौन सूची नहीं है, शौच धर्म का पालन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, का जो अभक्ष भक्षण नहीं करता वो सूची है। पहले तो वहां विचार करना पड़ेगा। और संसर्गश्चाप्य निंदितैः, जो अनिंदित लोग हैं उनसे संपर्क करना, और निंदित लोगों के साथ उठना बैठना, जो निंदित लोगों के साथ उठ बैठ रहा है इसका मतलब है कि वह शुचि नहीं है। और स्वधर्म च व्यवस्थापन, अपने धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये तीन चीज कर रहा है तब समझो कि वह शुचि है, अन्यथा वो अशुचि नहीं है। और फिर आगे बढ़ करके क्या कहा कि सब तरह की जो शुचिता है उसमें अर्थ की शुचिता सबसे महत्वपूर्ण। आपके हाथ में गंदगी लगी है एक बार चलेगा, आप नहीं नहाए हो चलेगा, लेकिन आपने किसी का पैसा मार दिया, झूठा हिसाब लिख दिया, गबन कर दिया, नहीं चलेगा, ये ज्यादा बड़ा दंड है। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते योथार्थैर शुचिः शौचान न मृदा वारिणा शुचिः। मिट्टी और पानी से कोई पवित्र नहीं होता, पवित्र तो तब होता है जब उसका पैसा पवित्र हो। इसीलिए हमारे यहाँ पैसे की पवित्रता पे बड़ा ध्यान दिया गया। पुराने जमाने में जब पैसा लेकर के बच्चा घर में आता था तो माँ बाप के हाथ में रखता था। माँ बाप के हाथ में क्यों, क्योंकि माँ बाप के हाथ में जब रखेगा तो माँ बाप खुशी नहीं होंगे पैसा हाथ में पाकर। जैसे ही हाथ में पैसा आएगा वो पूछेंगे कहाँ से आया, पहला सवाल उनका होगा कि कहाँ से लाया, कैसे कमाई की, तब उसको बताना पड़ेगा। अगर वो सही कमाई का होगा तब खुश होंगे, और नहीं तो कहेंगे ले तेरा पास, तेरे पास ये पैसा ठीक नहीं है, इसको घर में हम अंदर नहीं जाने देंगे। ये पुराने लोगों का विचार था
कि पैसा आना महत्वपूर्ण नहीं है, ये पैसा किस रास्ते से आया है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि गलत रास्ते से आया होगा तो अपने साथ गलती भी लेके आया होगा, और अगर गलती लेकर के आया है तो हमारे घर का भी जो कुछ होगा उसको भी नष्ट करके वापस जाएगा, समूल नाश करेगा। इसलिए गलत पैसे को घर में घुसने मत दो। इसलिए अर्थाशौच हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आज आज इस बारे में विचार ही नहीं हो रहा है, बस पैसा आने दो। न पंडित जी सोच रहे हैं, न महात्मा जी सोच रहे हैं, नेताजी कहाँ से सोचे बेचारे, कोई नहीं सोच रहा, बस आने दो। कहाँ से आ रहा है इसका विचार नहीं है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आ रहा है थोड़े दिन में बंटाधार करके जा रहा है। इसलिए पैसा आए तो उसके रास्ते का भी विचार करो, इस तरह से अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पवित्र भोजन करो। कुछ लोग कहते हैं कि हम पवित्र होटल खुलवा देंगे, हिंदू के होटल में जाएंगे, अमुक के होटल में नहीं जाएंगे। कई जगह पे हिंदू होटल नाम भी पहले लिखा रहता था, तो हमारे गुरुजी ने एक बार बताया कि हिंदू होटल का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने कहा महाराज हिंदू होटल का मतलब है कि जहाँ हिंदू केवल भोजन करते हैं। हिंदू होटल बोर्ड इसलिए लगाया जाता है कि जो हिंदू हो यहाँ आ करके खा सकता है, ये हिंदुओं का होटल है, हिंदुओं के अनुसार का भोजन यहाँ बना है। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। क्यों? बोले हिंदू होटल का मतलब है कि हिंदू हो तो टल, क्योंकि होटल में खाए और फिर भी हिंदू रह जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि होटल में जो भोजन बनेगा उसकी बात ही अलग होगी। हिंदू कभी भी होटल का भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हिंदू का भोजन बनेगा पवित्रता से बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, भाव से बनेगा। माँ बनाएगी, बहन बनाएगी, भाई बनाएगा, पिता बनाएगा, बेटा बनाएगा, जो बनाएगा अपने परिजन के लिए बना रहा है, इसलिए उसका भाव लगा हुआ है। पवित्रता तो रहेगी क्योंकि भगवान को भोग लगाना। तो एक तो हिंदू के घर का जो भोजन होगा वो पवित्र होगा, दूसरे भाव से बना हुआ होगा, और इसीलिए हिंदू जब उसको खाएगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, उसके शरीर में उसी तरह का गुण करेगा। अब ये जो प्यार और आशीर्वाद है ये होटल में मिलेगा? होटल वाला इसलिए नहीं बना रहा है अपने लिए, वो तो इसलिए बना रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, स्वाद बढ़ाने के लिए। गलत चीज़ भी डालना हो तो डाल देगा, बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में गलत चीज़ें डाली जा रही हैं ताकि लोगों को टेस्ट आ जाए और बार बार आए। उनका धर्म नष्ट हो रहा है, उनका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, इस बारे में विचार ही नहीं, बस उनका ग्राहक ही बढ़ना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं भोजन बनाओ। देखो अपने, आप लोगों ने सुना होगा, अब तो बहुत रेयर हो गया, लेकिन हम लोगों के समय में काफ़ी लोग होते थे, वो कहते थे कि हम तो स्वयं पाकी हैं। जहाँ जाते थे अपने रिश्तेदार संबंधी के घर में जाने पर भी संबंधी के घर भी नहीं खाते थे, कहते थे हम स्वयं पाकी हैं। क्यों? हम खुद बना के, तो कच्चा भोजन दे दीजिए हम पका के खाएंगे, खुद ही बना के खाते थे। क्योंकि जानते थे कि जो कुछ बना बनाया आएगा वो क्या है उसमें कुछ पता नहीं है कि क्या क्या उसमें पड़ा हुआ है और किस तरह से पकाया गया है, इसलिए अपनी आंखों के सामने पका के खाना। अब वो लोग छोड़ते जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम अमुक की होटल बना देंगे तो उसमें खा लेंगे तो हमारा धर्म रह जाएगा। धर्म ऐसे नहीं रहेगा। अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो शुचिता के धर्म का पालन करना होगा, और शुचिते के धर्म का पालन का मतलब है कि स्वयं से सिद्ध करके खाओ, अपने जानकार के द्वारा सिद्ध किया गया जो भोजन है वही खाओ, बाकी मत खाओ। आजकल ये प्रचार हो गया है कि मुसलमान लोग जहाँ बनाते हैं वो भोजन में पानी में थूक देते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में दो मुसलमान घर थे, बाकी सब हिंदू थे।
तो हम लोगों को छोटे में ही बता दिया गया था कि खेलने कूदने सब जगह जाओ, उनके घर भी जाओ, लेकिन खाना नहीं कुछ और पानी नहीं पीना, उनके घर का पानी भी नहीं पीना और खाना भी। तो हम लोगों ने पूछा क्यों, बोले वो थूक देते इसलिए कभी नहीं। तो उन्होंने कभी दिया भी नहीं, हम लोगों ने कभी खाया भी नहीं, लेकिन सिखाया गया था। तो हम लोग सोचते थे कि ये उनके घर ना खाने के लिए कह दिया गया होगा। बाद में हम बड़े हुए, वाराणसी में पढ़ने के लिए गुरुजी ले गए, तो वहाँ कुछ मुस्लिम बंधुओं से हमारा मिलना हुआ। विशेष करके जब गंगा जी का हमने आंदोलन किया तो उसमें मुसलमानों ने भी हमारा साथ दिया। आए वो आए तो भाई आंदोलन में जो आ रहा है सबका स्वागत करना है, तो उनका हम लोगों ने स्वागत किया, और कुछ मुसलमानों ने बहुत मनोयोग से उसमें मदद की, लगे रहे, रात को 2-2 बजे तक काम करते। तो जब उनसे थोड़ा आत्मीयता बढ़ी तो हमने उनसे एक दिन पूछा कि भाई हमने ये सुना है बचपन, क्या आप लोगों के घर में ऐसा नियम है कि अगर कोई आपके घर का आएगा, हिंदू कोई जाएगा आपके घर में, तो आप लोग थूक करके खिलाते पिलाते? तो वो जो मुस्लिम बंधु थे जिनसे हमने पूछा था, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, हमने हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। कहा ठीक है। फिर एक दूसरे मुस्लिम बंधु आए, उनसे हमने पूछा कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये हिंदुओं के लिए नहीं होता है, ये तो सबके लिए होता है। हमारे घर में मुसलमान भी आता है तो हम ऐसे ही करके देते हैं, उससे हमारा प्यार बढ़ता है, तो हम किसी दुर्भावना से नहीं, प्यार बढ़ाने के लिए ये करते हैं। उसने माना, तो हमने कहा अच्छा। और फिर बाद में अभी 1 साल के पहले मद्रास के हाई कोर्ट से एक फैसला आ गया, उस फैसले में एफिडेविट पर मुस्लिम ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ तो थूक करके ही बनाने का और थूक करके ही खिलाने का नियम है, उससे सुन्नत होती है, सुन्नत माने पुण्य होता, माने हमारे यहाँ नियम है, धर्म नियम है कि हम किसी को कुछ देंगे तो उसमें थूक करके खखार करके ही देंगे, वैसे दे ही नहीं सकते। और बहुत सारे वीडियो आ गए जगह जगह, तो इसलिए लोगों को इस बात का इलम हुआ। और जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में एफिडेविट पर कह रहे हैं कि हमारा धर्म ये अनुमति देता है और ऐसा नियम बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लो कि आप बाहर खाओगे तो कितना धर्म सुरक्षित रहेगा और कितना स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपने तन मन की सुरक्षा चाहते हो तो अपने घर में बनाया भोजन करना शुरू कर दो। इसलिए हमने तो नियम बना रखा है कि जो हमसे दीक्षा लेता है हम पहले ही उससे पूछ लेते हैं कि 3 नियम पालन करना पड़ेगा मिनिमम। तो कौन? कहते तिलक लगाना पड़ेगा। कहते ठीक है, चोटी रखनी पड़ेगी, माने अब नहीं कटवाना है, अभी तक कट गई कोई बात नहीं, अब ना कटवाना, नहीं तो मंत्र चला जाए। और दूसरे तिलक चोटी और घर की रोटी, 3 नियम कंपलसरी है कि घर की रोटी खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बाहर खाओगे तो ना तो तन बचेगा, ना तो मन बचेगा, ना धर्म बचेगा। इसलिए शुचिता का ये नियम, इसको धारण करो। ये किसी के विरोध में नहीं कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ये अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो ये हमारे पूर्वजों ने हमको कहा है कि पवित्र जीवन जियो, अपनी पवित्रता की रक्षा करो। आपका शरीर स्वच्छ भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए। आप जो है चर्बी वाला जो साबुन है उस साबुन से नहा करके शरीर को साफ कर सकते हो, लेकिन पवित्र नहीं कर सकते। कर सकते हो, इसलिए स्वच्छता और पवित्रता का भेद समझिए। आप स्वच्छता के चक्कर में आकर के ऐसे साबुन ला रहे हो जिसमें चर्बी मिली हुई है, उसमें गाय की भी चर्बी हो सकती है, उसमें सुअर की भी चर्बी हो सकती है, जाने किसकी हो। अब आपने सफाई के नाम पर रगड़ लिया, अब आप समझ रहे कि हम शुद्ध हो गए, आप साफ हो गए, लेकिन शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए, बल्कि और अपवित्र हो गए। अगर वो मैल लगा रहता कम से कम पवित्रता तो रहती, स्वच्छता भले ना होती, और पवित्रता हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वच्छता से ज्यादा पवित्रता को महत्व दो। पवित्रता होगी तो स्वच्छता भी आएगी।
आपका जो दिमाग बदला हुआ है बंधुओं, हम हर हिंदू को कह रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आपका दिमाग बदल गया है, आप स्वच्छता को ज़्यादा महत्व देने लगे हो, पवित्रता को नहीं देने लगे हो। पुराने लोग पवित्रता का विचार करते, किराए के बर्तन में आप भोजन बनाते हो, वो बर्तन, उस बर्तन में पहले मांस भी पका हुआ है, अब उसी को ले आए, हम मांस भक्षण नहीं करते, अब उसी में बनाएंगे। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बर्तन में अगर एक बार मांस पक गया तो वो अपवित्र हुआ, अब उसमें हम अगर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आए। दूसरे जो स्वच्छतावादी हैं वो ये नहीं मानेंगे, वो कहें मांस दिया, मांस देने के बाद धो दिया, पोछ दिया, स्टरलाइज कर दिया, अब क्या है, अब बात खत्म। लेकिन हम, हमारा भाव है अरे इसी में मांस बना था, इसी में हम खा रहे हैं, अंतर पड़ जाता है। तो भाव जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए जो सनातनी है, धार्मिक है, उसको भाव संशुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए शुचिता के धर्म का भी अपने लोगों को नियम से पालन करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंख कैसे पवित्र रहेगी, जब इससे अपवित्र वस्तु को ना देखो, और अगर अपवित्र वस्तु दिख भी जाए, जो नहीं देखना है वो दिख भी जाए दृश्य, तो तुरंत पवित्र वस्तु देखो, तब आंख में पुनः पवित्रता आ जाएगी। हमने बताया कि आप नदी में नहाने के लिए गए, बहुत सारे दूसरे लोग भी नहा रहे हैं, अब आप निकले तब तक कोई माता बहन कपड़ा बदल रही है, बिना कपड़े वाले उसके शरीर के ऊपर आपका ध्यान चला गया, निगाह चली गई, अपवित्र दर्शन हो गया, नहीं देखना चाहिए था, मना है कि नहीं देखना चाहिए, तब क्या करें, अब हमारी आंखों में अपवित्रता आ गई, इसलिए तत्काल उसी समय देव दर्शन करो, सूर्य भगवान हो तो सूर्य भगवान का दर्शन करो, नहीं तो जिस जो मंदिर हो उनका दर्शन करो, और नहीं तो ध्यान करके अपने भगवान का दर्शन करो, तब आपके नेत्रों में शुद्धि होगी। इसी तरह से वाणी की शुद्धि है, आपकी जीभ है इसलिए सब कुछ बोलने का अधिकार आपको नहीं है, जब आप इससे शुद्ध शब्द बोलते हैं तो उससे पुण्य होता है, और जब अशुद्ध शब्द बोलते हैं तो पाप होता है, समझ गए ना। इसीलिए व्याकरण शास्त्र आपके यहाँ बना हुआ है, जो आपके भाषा ज्ञान को परिमार्जित करता है कि जब बोलो शुद्ध बोलो, अशुद्ध उच्चारण मत करो, क्यों, क्योंकि शुद्ध बोलने से पुण्य होगा, अशुद्ध बोलने से पाप होगा। तो आप क्या करना है, मान लीजिए कि किसी समय आपकी जीभ से असावधानी बस कुछ गड़बड़ वाक्य निकल ही गया, गड़बड़ शब्द निकल ही गया, कभी कभी गाली वगैरह आजकल संगत दोष के कारण निकल जाता, तब आपकी जैसे ही गाली आपने अपनी जीभ से बोली वैसे आपकी जीभ अशुद्ध हो गई। अब कैसे शुद्ध करेंगे, तुरंत भगवान का नाम लीजिए, शिव शिव, राम राम, हे प्रभु, तब शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कान, आपने हरि गुरु निंदा सुन लिया तो आप क्या समझ रहे हैं, सुनने से थोड़े कुछ फर्क पड़ता है, हरि गुरु निंदा सुने ही जे काना होई पाप गौ घात समाना, कोई छोटा पाप नहीं होता। अगर कोई अपने गुरु की, अपने भगवान की निंदा किसी के द्वारा की जा रही है और उसको बैठ के सुनता है तो उसको गौ हत्या का पाप लग जाता है, बड़ा पाप। इसलिए कान से सुनना भी नहीं है गलत बात, अच्छी बात सुनो। इसलिए कहीं पर कोई गलत बात बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो टोकना पड़ेगा कि भाई ये मत बोलो, गलत शब्द हम नहीं सुनना चाहेंगे, हमारे कान अपवित्र हो जाएंगे। और फिर भगवान नाम का श्रवण करो, वेद मंत्र का श्रवण करो, तब जाकर के कान शुद्ध होंगे। इसी तरह से जीभ पर आपने कोई ऐसी चीज रख दी जो अभक्ष्य है तो आपकी जीभ भी अशुद्ध हो गई। अब क्या करोगे, तब जाके भगवान का चरणोदक पियो, आगे ऐसा नहीं करूंगा इसका संकल्प लो, तो फिर आपकी जीभ शुद्ध होगी, समझ गए। इस तरह से अपने हर अंग को पवित्र रखिए, तब जाकर के आप में शुचिता आएगी, और जब ये शुचिता आएगी, जैसे जैसे ये पवित्रता बढ़ाओगे वैसे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप लोग तो आजकल फायदा ही देख के सब काम करते, कोई इसमें घाटा नहीं है, अगर फायदा देख के कोई करे तो अच्छा है, तो फायदा है। फायदा क्या है कि जो देवता हैं उनको पवित्रता पसंद है,
और जो असुर हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनको गंदगी पसंद है। तो आप अगर गंदगी से रहेंगे तो आसुरी जो शक्तियां हैं वो आपसे संपर्क करेंगे। अलौकिक संपर्क होते हैं ना लोगों के, अभी आप लोग पता नहीं समझते हो कि नहीं, लेकिन दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां वातावरण में घूम रही हैं। अब ये जो दैवी और आसुरी शक्तियां हैं ये हमसे संपर्क करती हैं किसी न किसी समय। तो अगर हम पवित्र होंगे तो हमको दैवी शक्ति संपर्क करेगी, अगर हम अपवित्र होंगे तो हमसे आसुरी शक्तियां संपर्क करेंगे। तो हमको किससे संपर्क करना है, दैवी शक्ति से कि आसुरी शक्ति से? तो दैवी शक्ति से संपर्क करने के लिए अपने आप को पवित्र रखना अनिवार्य है। जितना आप पवित्र होने लगोगे, अपने आप को पवित्र रखोगे, उतना ही आपसे दैवी शक्तियां मिलने लग जाएंगी और दैवी शक्ति का आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महात्मा पंडित बहुत पवित्रता से रहते हैं, एक भी काम उनका ऐसा नहीं होता जिसमें अपवित्रता आए। क्यों? जितना वो पवित्र रहेंगे उतना ही दैवी शक्ति उनके अंदर आएगी, और जितनी दैवी शक्ति आएगी उतना ही लोकोपकार कर पाएंगे। इतने सारे लोग उनके पास आते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, अगर उनके पास दैवी शक्ति नहीं होगी तो कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए अपने आप को पवित्र बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। प्राय छूने के लिए मना करते हैं कि भाई मत छुओ। आप लोग समझते हैं कि हमसे परहेज कर रहे हैं, हमको छोटा दिखा रहे हैं। अरे वो आपको छोटा नहीं दिखा रहे हैं, वो अपनी दैवी शक्ति की प्राप्ति को बनाए रखना चाहते हैं कि अशुद्धि ना आ जाए किसी प्रकार की। पता नहीं ये व्यक्ति किस दशा में आया है, स्वयं अपवित्र ना हो तो हम कुछ छुएगा तो हमें भी अपवित्रता का संचार हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, तो हम पवित्र बने रहें। तो अपनी पवित्रता को बनाए बचाए रखने के लिए वो ऐसा करते हैं, और ये उनके लिए जरूरी होता है। तो जैसे जैसे आप पवित्र होंगे, मनसा वाचा कर्मणा, मन पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, आपके शरीर के अंग पवित्र होंगे, आपके कर्म पवित्र होंगे, तो जैसे जैसे पवित्र होंगे वैसे वैसे आप देवत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए ब्राह्मण को भूमि का देवता कहा गया है। आप लोगों ने भूदेव शब्द सुना होगा, भूदेव का मतलब होता है ब्राह्मण, भूमि के देवता। भूदेव इसका मतलब है नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म गए तो भूदेव हो गए। आजकल के ब्राह्मणों ने बहुत शॉर्टकट निकाल लिया है कि हम तो ब्राह्मण के घर पैदा हो गए, अब हम चाहे जो करें अब तो हम भूदेव हैं। तब तक भूदेव नहीं हो सकते हो जब तक पवित्रता जितनी अपेक्षित है उतनी तुम्हारे अंदर ना आ जाए। तो इसलिए ब्राह्मण इसलिए भूदेव कहे जाते थे कि अपना पूरा जीवन पवित्र रखते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी चुगली नहीं करते थे, वाणी का संयम करते थे, अपने शरीर का संयम करते थे और मन शांत रखते थे। तो ऐसा कोई ब्राह्मण होगा तो आज भी वो भूदेव है, और उसकी ये जो पहचान है उसके आचरण के द्वारा है, केवल जन्म से नहीं है। जन्म तो एक शुरुआत है लेकिन जन्म के साथ साथ आचरण भी होना आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य भी एक धर्म है और शुचिता भी एक धर्म है। उस धर्म को जब हम अपनाएंगे तब हम दैवी शक्ति से संपन्न हो पाएंगे। तो मनुष्य जो है वो देवत्व की ओर बढ़ा हुआ व्यक्ति है, देवत्व हमारे बहुत पास में है, मतलब एक कदम दूर है। एक कदम अगर आगे बढ़ेंगे तो देवत्व प्राप्त हो जाएगा, और वो एक कदम क्या है, यही धर्म का अपने जीवन में समावेश। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव,
शिव शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव।